असल डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स होप यू आर ऑल फाइन देखिए पिछले कुछ दिनों से हम मेन डिशन डिस्कस कर रहे थे आपने देखा कि मेन डिवियशन होती क्या है ये कैलकुलेट कैसे होती है डिशनज कैसे ली जाती हैं तो इस तरह से हमने मेन डिवेशन का जो डिस्कशन था ये कंप्लीट किया नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ मेन डिशन मेरिट्स और डेमेरिट्स पे जाने से पहले चंद बातें आपके लिए ज़रूरी हैं देखिए हमारे पास तीन तरह की सीरीज़ होती है इंडिविजुअल सीरीज होती हैं डिस्क्रीट सीरीज होती है और कंटिन्यूस सीरीज़ होती है इन तीनों सीरीज के लिए हमारे पास मेथड्स हैं मीन डिशन कैलकुलेट करने के लिए जैसे फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ वी हैव द फार्मूला मीन डवियशन फ्राम मीन तीन तरह की डिवेशन हम लेते हैं मीन डिवियशन फ्राम मीन मीन डिवियशन फ्राम मीडियन एंड मेन डिवियशन फ्राम मार्ड अगर हम डिशन मीन डिशन से मेन से लेंगे अर्थमेटिक मीन से लेंगे तो हमारा जो फार्मूला है तो उस सूरत में मीन डिशन फ्राम मीन विल भी इक्वल टू सेमेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ये फार्मूला है फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ इफ इज आर टेकन फ्रॉम मीन अगर हम मीडियन से लेते हैं देन समेशन ऑफ एक्स माइनस एम डिवाइड बाय एन एंड अगर डिविएशन से मॉड से लेते हैं एक्स माइनस जेड बाय एन ये फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ अब अगर डिस्क्रीट सीरीज की तरफ हम जाए तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए इंट एक्स माइनस एक्स बार डिड बाई एन इज आर टेकन फ्राम मीडियन माइनस एम बाई एन इज आर टेकन फ्राम मार्ड देन सेमेशन ऑफ एफ इन एक्स माइनस जेड बाई एन और यही फार्मूला कंटिन्यू सीरीज के लिए भी होता है राइट right? जबकि मेन और मीडियन और मॉड कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट इस सीरीज के लिए अलग मेथड है डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए अलग मेथड है और कंटिन्यू सीरीज़ के लिए अलग मेथड है ठीक है ना ये चंद मैथड्स हैं जो आपको जहन में रखना यू हैव टू कीप इन माइंड चलिए अब मेरिट्स और डिमेरिट्स की तरफ आते हैं हम लेट्स फर्स्ट सी मेरिट्स ऑफ मे इंडिवेशन देखिए कैल्कुलेशन से और डिस्कशन से आपको पता चला कि इट्स वेरी सिंपल मेथड दिस इज सिंपल एंड ईजी मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये इसका पहला प्रिंसिपल मेरिट है दूसरा इसका जो मेरिट है वो आपने देखा कि इट्स बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज जो भी आइटम्स हैं सीरीज में वैल्यूज़ हैं हम किसी को इग्नोर नहीं करते वी कंसिडर ऑल दैट इज मीन डिशन इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द सीरीज तो इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इट्स मोर रिप्रेजेंटेटिव ये मोर रिप्रेजेंटेटिव है देन रेंज और कोटाइल डिशन क्योंकि वहाँ हम सभी वैल्यूज को कंसिडर नहीं करते राइट एक और इम्पॉर्टेंट मेरिट इसका यह है कि इट इज लेस इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स एक्सट्रीम आइटम्स का इस पर कम असर होता है ये एक्सट्रीम आइटम्स क्या होते हैं टू बिग एंड टू स्मॉल ये इसके मेरिट्स हैं और जहां तक डिमेरिट का ताल्लुक है डिमेरिट इसका ओपन है आपने देखा कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं मीन डिवेशन की वी इग्नोर साइनस हम साइनस को इग्नोर करते हैं प्लस माइनस हमारा प्लस ही होता है, मैथमेटिकली इनएकट है इस तरह हम कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन डिवेशन सफर फ्रॉम इनएक्यूरेसी बिकॉज जो प्लस साइन और माइनस साइन है दीज आर इग्नोर जो कि मैथमेटिकली रॉन्ग है एक और डिमेरिट इसका यह है कि हम इसे एलज्रिक के लिए ट्रीट नहीं कर सकते इट इज नॉट कैपेबल ऑफ नॉट कैपेबल ऑफ एलजेब्रिक ट्रीटमेंट एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल नहीं है ठीक है ना एक और डिमेरिट इसका है इसे हम अनिलइबल कह सकते अनरिलाल क्योंकि यहां हम डिविएशन लेते हैं मॉड से जब हम मॉड से डिविएशन लेते हैं एंड मॉड इज अनसर्टन मॉड क्या है अनसर्टन है और जब हमने डिविएशन मॉड से ली जो हमारा मेन डिविएशन है ये भी अनसर्टन बन जाता है राइट right? सो so, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम मीन डिवेशन से मीन डिवेशन में डिवेशनस लेते हैं फ्राम द एवरेज वैल्यू ऑफ द सीरीज उनको हम पॉजिटिव लेते हैं जबकि कुछ नेगेटिव होते हैं दिस इज़ द प्रिंसिपल ड्रॉबैक ऑफ मीन डिवेशन एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन बिकॉज इट इज़ मैथमेटिकली इलाजिकल एंड रॉन्ग सो इट्स इनकोरेट तो इसका रिजल्ट होता है वो इनएकोरेट होता है तो इस तरह से हमने आज मीन मीनडिशन पर अपना डिस्कशन कम्प्लीट किया बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि गो थ्रू य बुक्स आपकी बुक्स में बहुत सारी अनसॉल्वड एग्जाम्पल्स हैं ट्राई टू तो सालो देम अगर कहीं पर कोई डिफिकल्टी आती है मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सअप कीजिए फोन कीजिए आई एम एट योर डिस्पोजल इनशाला इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन दैट इज स्टैंडर्ड इजेंडिशन तो आज के लिए इतना काफ़ी है थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे